टीवी एंटरटेनमेंट की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 में किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई। उससे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए कर दीजिए बेल आइकॉन पर क्लिक। 10वें नंबर पर है सुपर 30 जिसने 208 करोड़ रुपए की कमाई की। गरीब और वंचित बच्चों को IIT पहुंचाने वाले बिहार के आनंद कुमार की कहानी को पर्दे पर उतारने वाली इस फिल्म को काफी सराहना मिली। ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार के किरदार को पर्दे पर निभाया। 9वें नंबर पर है छिछोरे जिसने 212 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने बहुत से लोगों को अपने पुराने दोस्तों की याद दिलाई। हॉस्टल लाइफ के मजे और जिंदगी की उलझन इस फिल्म की कहानी के केंद्र है। सुशांत सिंह और श्रद्धा कपूर इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे। 8वें नंबर पर आता है टोटल धमाल जिसने 228 करोड़ रुपए की कमाई की। टोटल धमाल इस साल की चर्चित फिल्मों से एक रही जिसमें 3 दिग्गज अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन पर्दे पर एक साथ दिखे। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक है। बात करें 7वें नंबर की तो 7वें नंबर पर है गली बॉय जिसने 228 करोड़ रुपए की कमाई की। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के अभिनय से सजी निर्देशक जोया अख्तर की यह फिल्म 2019 की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने हर उस इंसान के भावनाओं को छुआ जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। 6वें नंबर पर आता है हाउसफुल 4 जिसने 278 करोड़ रुपए की कमाई की। हाउसफुल 4 में सितारों की पूरी फौज दिखाई दी। कई समीक्षकों ने फिल्म को बुरा भला कहा लेकिन अक्षय कुमार की स्टार वैल्यू उन्हें सिनेमा तक खींच कर ले गई और फिल्म टॉप 10 में शामिल हो गई। 5वें नंबर पर है मंगल मिशन जिसने 290 करोड़ रुपए कमाए। इस फिल्म की कहानी भारत के मंगल मिशन की कामयाबी के इर्द गिर्द बुनी गई है जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में भी सितारों की भरमार है जिसके अहम नामों में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और विद्या बालन शामिल है। 4वें नंबर पर है भारत जिसने 225 करोड़ रुपए कमाए। सलमान खान का एक डायलॉग है, मैं समझ में नहीं आता, दिल में आता हूँ। यही बात उनकी फिल्मों पर भी फिट बैठती है। समीक्षकों को उनकी फिल्में चाहे पसंद ना आए लेकिन उनके फैंस को सिनेमा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। 3रे नंबर पर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जिसने 342 करोड़ रुपए कमाए। विक्की कौशल की उड़ी 2019 की टॉप 3 सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है। देशभक्ति और युद्ध की पृष्ठभूमि में मेजर विहान सिंह शेरगिल के किरदार को उन्होंने पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से उतारा और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। 2रे नंबर पर आता है कबीर सिंह जिसने 379 करोड़ रुपए कमाए। शाहिद कपूर ने कबीर सिंह के जटिल किरदार को बारीकी से निभाने की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि महिलाओं के प्रति हिंसा दिखाने के लिए इस फिल्म की काफी आलोचना भी हुई। अब बारी आती है 1रे नंबर की जिसने सबसे ज्यादा फैंस का दिल जीता। 1रे नंबर पर है वॉर जिसने 4474 करोड़ रुपए कमाए। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ये दोनों ही एक्टर अपने एक्शन और डांस के लिए जाने जाते हैं। दोनों जब एक साथ एक फिल्म में आए तो वह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।